तो गाइस स्वागत है आप सबका एक बिल्कुल नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम लोग कर रहे हैं अपने होम टाउन को अपग्रेड। तो अपग्रेड की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने एक सामान बना लिया है। अब यहाँ पे देखो लेवल 6 का मेरे को करना है अपना जो होम स्टेड है। और यहाँ पे मैंने बना लिया है कॉपर एलॉय, और अब मेरे को बनाना है फ्लैक्स फ्लैनल और नॉर्मल लेदर, देन बनाना है प्लाईवुड बोर्ड। अब इन तीनों का सामान में एक चीज़ तो कॉमन है, और जो कि है लकड़ी। अरे एमओ के कैसे गायब हो गई मेरी। ये वाला जो क्रेट है इसे कर लेते हैं यूज़, जिसके बाद ये हो जाएगी गायब। ठीक है, ये वाला जो क्रेट है वो हो चुका है गायब। अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल लेदर बनाने के लिए क्या चाहिए, और हो सकता है हमारी जो झोलियाँ हैं उसमें वो पड़ा हो। तो क्रूड लेदर यहाँ पे है, फ्लैक्स फ्लैनल यहाँ पे है। पहले नॉर्मल लेदर देख लेते हैं। ग्रीस हमें चाहिए जो कि बन सकती है, और फ्लैक्स सीड चाहिए, और स्मॉल एनिमल हाइट चाहिए। स्मॉल एनिमल हाइट जो है वो तो छोटे जानवरों का होगा ना। हंटिंग सेंटर प्लेन, सेंटर प्लेन में जाके हैं हंटिंग करना पड़ेगा, वहाँ जाके मिलेगा ये। और वहाँ जाके मेरे को जो एनिमल है, बेसिकली मेरे को एनिमल को टारगेट करना है, और जो प्लांट है ना वहाँ से भी ये लेके आना पड़ेगा। सेंटर प्लेन में ही जाना पड़ेगा, वो एक एरिया रहेगा जहाँ पे हमें लकड़ी मिली थी आई थिंक, वहाँ से भी दूर जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलते हैं वहाँ पे एंड हम लोग कर लेते हैं अपना जो प्लांट है एंड एनिमल को मारना पड़ेगा वो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा बन जाएगा नॉर्मल लेदर। तो लेट्स गो। तो फाइनली अब जाके हम लोग यहाँ पे आए हैं, पहली बार आए हैं शायद, या पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आई डोंट नो, बट काफ़ी नई नई जगह लग रही है। मैं पहले ही आया हूँ यहाँ पे, पहली बार आ रहा हूँ। तो यहीं पे हमें मिलेगा जो भाई प्लांट में जो मिलेगा, और छोटे जो मिलेंगे ना जानवर वो सब हमें यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहा था सेंटर में जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से मैं ऐसा करूँगा कि जो छोटे जानवर हैं उनको मारूँगा, देन जो यहाँ पे मेरे को पत्ती वत्ती मिलेगी ना, प्लांट मिलेंगे, उससे भी जो फ्लैक्स मिलेगी वो मैं सब इकट्ठा कर लूँगा। कम से कम 50-100 तो मुझे चाहिए चाहिए, झोला भर के लेके जाऊँगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पर तो कॉपर ही मिल रहा है। चलो अभी तक मेरे को प्लांट तो दिखा नहीं है, बट फिर भी स्टिल ट्राई करते हैं। वैसे यहाँ के ज़ॉम्बीज जो हैं वो बहुत काफ़ी सुस्त हैं। अरे यार मेरा लेवल 2 का नहीं है यार, मेरे को लेवल 2 का करना है। पहले मुझे चलना पड़ेगा लेवल 2 का करने के लिए। मैं जाता हूँ घर पे और अपना जो मस्त वेपन है ना वो लेवल 2 के करके आता हूँ। हो सकता है कि उसके साथ मुझे कुछ ज़्यादा सामान मिले। तो फटाफट से मैं लेवल 2 के अपने एक्स और पिकैक्स दोनों को अपग्रेड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा, आई थिंक मेरे को कुछ बनाना पड़ेगा, या फिर मैं कैसे अपग्रेड करूँगा। एक सेकेंड मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। डिस्कार्ड ऑप्टेन का है, क्राफ्टिंग गाइड है, बट यहाँ पे इसको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा यार। अपग्रेड करने का नहीं है यार इसमें, ये क्या बद्दा पुचका है यार ये तो गाइस। तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं क्या? हम लोग कहाँ बना कहाँ सकते हैं? मैंने बनाया कहाँ से था? यहीं से तो बनाया था मैंने। तो यहाँ पे आयरन का नहीं है क्या? एक सेकंड, लेवल 2 का, अरे है तो है यार, लेवल 2 का है। इसके लिए हमें चाहिए स्टोन, चाहिए स्टोन तो है, वुड भी है, तो क्राफ्ट क्यों नहीं हो रहा? टीम लॉगिंग टूल लेवल 1, लॉगिंग टूल क्या? मैं समझा नहीं। अच्छा लॉगिंग टूल, ओके। तो वो यहीं पे रहेगा ना, यहाँ पे जो स्किल्स आती है ना वो, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ लिखी होती है, बिल्डर, वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैं भूल चुका हूँ कहाँ पे होती है यार वो। एक सेकेंड, रोल पे होती है, हाँ रोल पे होती है, लॉगर, यस, लॉगर अनलॉक करते हैं।
यस, ये भी अनलॉक हो जाएगी क्या? चलो मैं इन सबको एक एक बारी बारी ना अनलॉक कर ही लेता हूँ। माइनर की भी लॉक कर ही लेता हूँ क्योंकि ये भी फिर इफेक्ट होगी लेवल 2 का बनने में। चलो लॉगर की भी हो गई और गैदरिंग का भी हो गया, जिससे कि मेरे को सामान जो रहेगा वो फटाफट, आई थिंक फटाफट लेगा या फिर पता नहीं। ये तो अपग्रेड ही है, ये तो ऑलरेडी मैंने कर ली है। उसके बाद कौन सी? हंटर की है। यस, हंटर की भी मेरे को एबिलिटी मिली है। वैसे अपग्रेड भी तो नहीं कर सकता ना, मैंने जाते नहीं हम लोग तो स्टोर में ना घुसते हुए। अब फाइनली हम लोग बना सकते हैं अपने लिए लेवल 2 का एक्स बना लिए लेवल 2 की, एंड फिर बना लेते हैं पिकेक्स भी बना लेते हैं। दोनों की ज़रूरत बहुत है यार। चलो तो ये काम हमारा हो गया और अब हम चलते हैं अपनी वही पुरानी लोकेशन पे जहाँ पे हम पहले थे। तो अब हम लोग जाएंगे सेंट्रल, कहाँ पे था मैं यार, मैं भूल जाता हूँ, इतना इतना ये रहता है ना। सेंट्रल प्लेन्स में था, वहाँ पे मैं गया था एंजल और फेस पे। तो अभी जाऊँगा वेयर हाउस फार्म पे, वहाँ जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो लेट्स गो। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं वेरो के फार्म में, तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे घूम लेते हैं भाई। बहुत ही मस्त फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे फुल चल रहा है भाई, पत्ती वत्ती यहीं पे आना स्टार्ट हो गया है। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर किसी की भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट है, कहीं भी है, हम तो घुसेंगे। और यहाँ पे हमें मिलेगा भाई, यहाँ पे मिल रहा है हमें जो सामान हमें चाहिए ना, वो यहाँ पे मिल रहा है हमें तो मस्त है यार। जैसे ज़रूरत हो ना, उसी पे ना फास्ट ट्रैवल करो। और ज़ोंबी यहाँ पे भी हैं भाई, ये जिसकी भी ज़मीन है ना। अरे ड्रोन भी अपना काम कर रहा है, कतई जहर, कतई जहर भाई। अभी आएगा ड्रोन, आएगा। अरे होली खेले रघुबीरा, यमे होली खेले रघुबीरा। अरे ये कहाँ से उगना स्टार्ट हो गया? अबे बेटी बेटी रिलोड आ गई। ये भी होली खेलने वाला है क्या? नहीं, ये स्लो है। बट यार इन्हें ना कुछ ज़्यादा ज़्यादा ही गोलियाँ लग रही हैं। कुछ यहाँ वाले जो ज़ोंबीज़ हैं ना, कुछ ज़्यादा ही तगड़े हैं। पता नहीं क्या, कौन सी डाइट लेते हैं। चलो रिलोड मार लेते हैं पहले, एंड देन उसके बाद हम अपना काम करते हैं शुरू। हमें बहुत सारे प्लांट जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। अब गेम के बीच में ही मैंने इन दोनों जो ये सांड से हैं, इनको मारा मैंने। पता नहीं कौन, क्या है ये, या कहें या पता नहीं क्या है ये। तो इनसे मुझे मिला स्मॉल एनिमल हाइड, एंड स्न्यू जो है वो भी इन्हीं से प्रोवाइड हुआ है। तो देखो अब मुझे इनका भी शिकार करना पड़ेगा और साथ साथ में पत्तियां भी खोजते रहेंगे, दोनों काम चलेंगे भाई। और वहाँ पे कैंप में जाके फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से पूरा कलेक्ट करने के बाद। हम ले आए हैं अपने साथ बहुत सारा सामान। सामान में हमारे पास है जो छोटे जानवरों वाला वो चाहिए था ना, वो भी है इसमें। चेकआउट कर लेते हैं, अब जब बनाने लगेंगे तभी देखा जाएगा, या हो सकता है कि मेरे को वो ना प्योर करना पड़े। तो देखते हैं, फ्लेक्स लेदर, देखो फ्लेक्स लेदर के लिए मेरे पास सामान है, बट मुझे ये जो है ना वो क्राफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से बनाना पड़ेगा, प्योरेट करना पड़ेगा। तो ये सारा सामान है, तो इसे ऐड ऑल कर लेते हैं और रिफ़ाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा आई थिंक बन जाएगा एक और मटेरियल जिसका नाम है, नॉर्मल लेदर ही बना लेता हूँ पहले, क्योंकि नॉर्मल लेदर पहले है, जो पहले आएगा उसे बना लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आया फ्लेक्स फ्लैनल आया, तो इसे बना लेते हैं। और उसके बाद हम लोग बना लेंगे, अगर सामान बचेगा तो हम लोग बना लेंगे नॉर्मल लेदर। जी हाँ, सामान बच चुका है और हम लोग बना लेते हैं अब नॉर्मल लेदर। तो तीन चीज़ें हम लोगों ने बना ली हैं जो कि हमारे होम स्ट्रीट को अपग्रेड करने में लगेंगी। तो फटाफट से चलते हैं बाहर, और एक बचा होगा प्लाईवुड, बचा होगा कुछ ऐसा है, तो उसे भी बना लेते हैं फिर, वो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। तो देखो तीन चीज़ें हो चुकी हैं, अब हमें बनानी है प्लाईवुड बोर्ड। प्लाईवुड बोर्ड बनाना है, और उसके लिए सिंपल सी बात है, लकड़ी की ज़रूरत तो होगी क्योंकि प्लाई का है। तो इसके लिए आई थिंक पहले हमें वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसे, शीट बनानी पड़ेगी, वुड शीट जो होती है आई थिंक। चलो तो प्रोसेस पे चलते हैं, एंड हमें बनाना है प्लाई बोर्ड। तो प्लाई बोर्ड कहाँ है, इसमें ही है क्या या दूसरे में?
नहीं इसमें नहीं है, वर्क बेंच बोला, कंस्ट्रक्शन वर्क बेंच बोला था या नॉर्मल वाला वर्क बेंच बोला था, इसमें भी चेक कर लेते हैं। अरे आधा सामान उधर बनता है आधा इधर बनता है, यही मेरे को प्लाईवुड बोर्ड यार ये यही तो रहा। चलो तो इसे भी बना लेते हैं, इसका सारा सारा का सारा सामान मेरे पास है। ठीक है एक तो बन गया है, अब एक ही लगेगा या दो लगेंगे भाई? एक ही लगे आई होप सो, क्योंकि दो लगेंगे तो भैया बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो देखते हैं अपग्रेड पे चलते हैं, लेट्स गो। और फाइनली हम लोग कर सकते हैं अपग्रेड, इसके बाद हमारा ये सारा सामान अनलॉक हो जाएगा। अरे ये क्या है भाई, स्टोरेज टेबल है भाई, ये कैसा स्टोरेज टेबल है? चलो तो कर लेते हैं फटाफट से अपग्रेड। यस हम लोग पहुंच चुके हैं लेवल 6 में। नाइस बढ़िया, अब हम अपना लेवल जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा जो लेवल है वो है 35, तो हम 40, जब हमारा लेवल 40 का होगा तभी हम लोग जो है ना वो इस होम स्ट्रीट के लेवल को बढ़ा सकते हैं। हालांकि मेरे को कुछ चेंजेस देखने को मिले नहीं हैं, पता नहीं बाकी क्या चेंज हो रहा होगा इधर। लकड़ी वकड़ी तो सारा का सारा वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही दिख रहा है। अरे मैंने खेती नहीं करी है यार, तब से मेरे ये ना भाई खाली पड़े हुए हैं। तो यार मैं मेरे को यहाँ पे शॉप करनी थी, यहाँ पे शॉप का ऑप्शन आता है भाई सच्चे में, पहले आया था अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हाँ सप्लाई शॉप आ गया, तो यहाँ से हम लोग सप्लाई शॉप से शॉप कर सकते हैं। और इस बार हम लोग उगाएंगे वाइट मशरूम उगाएंगे, कितने हैं, 4 5 ले लेता हूँ मैं, कम पड़ेंगे तो फिर से ले लेंगे। और या पाइन एप्पल मेरे पास एक पड़ा हुआ है तो वो मैं ख़राब नहीं करना चाहता, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मेरे पास पड़ा हुआ है, 3 ही डाल देते हैं। ठीक है तो हम लोग अब उगा लेते हैं, पहले एक एक में पाइन एप्पल लगाएंगे और दूसरे में हम लोग लगाएंगे मशरूम। हाँ ये अनलॉक होने वाला है ना गाइस, ये वाला डब्बे अनलॉक होने वाले हैं, तो इन्हें कर लेते हैं अनलॉक। चलो 500 सिल्वर कॉइन से ये चारों हो जाएंगे अनलॉक। अरे एक हो रहा है भाई, सही है, मैंने सोचा 500 से चारों हो जाएंगे, ये तो लूट रहे हैं सिल्वर, सिल्वर से लूट रहे हैं हमें, बहुत मेहनत पसीने की कमाई लगी है सिल्वर को इकट्ठा करने में। लगाते हैं ना ये वाला लगाते हैं पहले, हम लोगों ने ये लगाया नहीं है, दो ही लेते हैं, और दो और कुछ अलग चीज़ लेते हैं। चाइनीज़ वाला तो लगा रखा है, वाइट मशरूम भी लगा दिया, अरे पाइनएप्पल पड़ा हुआ है वही लगा देते हैं, चलो छोड़ो। चलो तो ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं, दो पे क्या 4 पे ही लगा देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा तो रहेगा, पाइनएप्पल तो वैसे भी लग गया है वहाँ पे। अब हमें यहाँ पे देना पड़ेगा पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वाटर देते हैं, लेट्स वाटरी, बरसात होगी। फर्टिलाइज देना है हमें 4 है, ठीक है यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज भी कर दिया। ओके तो इसे भी करना है क्या कुछ? हाँ इसे भी पानी देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मेरे को फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, फर्टिलाइज नहीं है, चलो ख़रीद लेते हैं भाई, अरे है तो है। तो गाइज़ अभी तो हमारी खेती बाड़ी हो गई है, और अभी हमें जाना है कैबिनेट के पास, और बाकी सारी चीज़ें भी बनाएंगे, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, बाकी टॉयलेट वगैरह सब कुछ बनाएंगे। बट उससे पहले हम लोग जो हमारे बैग में सामान पड़ा हुआ है उसे कर लेते हैं हम लोग खाली, क्योंकि वो खाली होगा तभी तो यार कुछ और डाल सकेंगे हम, ला सकेंगे। और यहाँ पे भैया सामान इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, ओह तो खाने का सामान इसमें भी डाला है मैंने, वाओ, तो इसे भी उठाना पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले तो एक और कैबिनेट बना लेता हूँ यार, और इन कैबिनेट्स को ना जो मैंने बाहर गैलरी लगा रखी है इन सबको मेरे को करना पड़ेगा बंद, क्योंकि मेरे को अभी पता चला है कि भैया रेड भी पड़ती है इसमें। ठीक है तो थोड़ा झोला खत्म नहीं हुआ, खाली करना, थोड़ा खाली हुआ है, खाली भी कहाँ हुआ है, प्लेट ही तो उठाई है, वो कितना सा सामान ले रही होगी, वो कितना स्पेस ले रही होगी, सॉरी। हाँ मेरी जान, अब रिपेयर करना है, यहाँ पे रिपेयर कैसे हो रहा भाई, ये क्या है, रिपेयर टेबल यहाँ पे है, ये क्या है भाई, तो ई का है भाई, यहाँ पे भी रिपेयर टेबल है, ऊपर भी रिपेयर टेबल है। अरे हाँ मेरे पास लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं क्यों ना वो क्राफ्ट कर लूँ, कहाँ गया वो मटीरियल डिसमेंटल बेंच, ठीक है तो ठीक है
ट्रैकिंग हो गया स्टार्ट, तो वुड और स्टोन है भाई, ट्रैकिंग कर रहा है ये, कितना सामान किसके लिए चाहिए। ये सही है इसका यार, मैं पहले यूज़ क्यों नहीं किया, मैं वहाँ पे भाई इतना ज़्यादा सामान ले आया था यार, हद है यार। चलो तो डीकंस्ट्रक्शन बेंच है भाई, डीकंस्ट्रक्शन। तो इससे होगा क्या, मैं अभी बता सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने सर्वाइवल चीज़ें खेल ली हैं। अब ये अपने आप से क्या बिल्ड करने के लिए बोल रहा है भाई, अरे बना लिया भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। अगर पहले बताता तो तेरे साथ ही बनाता ना मेरी जान, खुद से बनाना पड़ा। चलिए तो अब हम फटाफट से लगा लेते हैं अपने डिसमेंटल जो भी है डीकंस्ट्रक्शन, इसे भी यहीं पे लगा देते हैं फिलहाल, यहीं पे सही है यार। अंदर कितना कितना सामान रखूं भाई, मेरे को सजाना भी है अपना कमरा यार बढ़िया वाले तरीके से। तो फाइनली हम लोगों ने अपना सामान जो था वो पैक कर दिया है, फिर भी यार हमारा बैग खाली नहीं हुआ पूरी तरह, क्या करें। चलो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो अभी हम लोगों को करना है कुछ काम, लेवल 30 के बाद हमारा जो था मिशन अनलॉक होने वाला था, तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं 2x बना लेता, फोर एक्स बना लेता हूँ, बट उसके लिए ग्लास चाहिए होगा। तो हम रेवन शेल्टर तो जा ही रहे हैं, तो वहाँ से ग्लास और स्क्रू ले आएंगे, जिससे हमारा जो था 4x बन जाता। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा सेट है सारा प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम सेट है। अब हमें जो अपग्रेड करना है अपना होम स्टेट, वो करना है हमें कितने लेवल पे होगा चचा, चालीस के लेवल पे होगा। जब आपका 40 का लेवल पहुंच जाएगा, ये जो दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, 35 है अभी मेरा, तो चुटकियों में बढ़ जाएगा भाई, चुटकियों में। कैसे बढ़ेगा, बस आपको करना है क्या है, आपको करना है यहाँ पे क्लिक, क्लिक नहीं करना था, कुछ और ही था भाई। यहाँ पे क्लिक करना है, शेड्यूल पे जाना है, शेड्यूल पे जाने के बाद आपको यहाँ से कोई सा भी मिशन करना है, डेली आउटपोस्ट कमीशन, लेट्स गो कर लेते हैं, एक मिशन कर ही लेते हैं यार। उसके बाद फिर होम स्ट्रीट होगा, मैं होम स्ट्रीट का अभी अपग्रेड नहीं करूँगा, नेक्स्ट अपग्रेड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, मुझे मिशन खेलना है यार, इतने दिन से बस भाई लकड़ी वकड़ी पत्थर वत्थर ईंट यही जोड़ रहा हूँ मैं यार भाई, कसम से यार कुत्तों वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है भाई भगाए जा रहे हैं ये, बोला हुश उधर जा, हुश ये कर, हुश। अपने दिल से अभी कुछ मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं मिशन खेलना चाहता हूँ सच्ची मिशन। तो हम लोग आ चुके हैं रेवन शेल्टर, जहाँ पे कैप्टन जॉर्डन है, गोर्डन है पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो ऑटो मैच कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं आउटपोस्ट का मिशन क्या है, हो सकता है होल्ड द लाइन ना हो जाए फिर से। जॉर्डन जी देखो यार, बच्चे को यार ऐसे मत करो यार, परेशान मत करो। अब तुम्हारा नाम जॉर्डन है या गोर्डन है ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी फनी लैंग्वेज। जॉर्डन दे शूज़ तो दिखा दो अपने, अबे गंदे से हो रखे हैं भैया, नाम ऐसे रखे हैं, जूते देखो अपने कितने गंदे पहन रखे हैं। जॉर्डन जी लगा दो यार मैच यार, बच्चे को खेलना है भाई, पब्लिक देखना चाहती है पिटते हुए मेरे को। यहाँ पे हो गई थोड़ी सी मिस्टेक, मैंने गलती से माइक वाला ऑप्शन ऑन कर दिया और मेरा इंटरनल साउंड प्लस गेम का साउंड भी गायब हो गया, मेरी जो वॉइस ओवर मैं कर रहा था वो भी वॉइस ओवर नहीं हुआ। तो मैं शॉर्ट में आपको मिशन समझा देता हूँ। यहाँ ऑटो मैच करने के बाद हम लोग गए रेडवुड आउटपोस्ट, और वहाँ पे हम लोगों ने पहले तो पता नहीं क्या पत्थर सी चीज़ें जो थी वो उठाई, देन रेडवुड आउटपोस्ट के बैक साइड में गए, वहाँ पे जो ज़ोंबीज थे थोड़े हाइब्रिड टाइप के ज़ोंबीज आ रखे थे उनको मारा, देन थोड़े हाइब्रिड वाले एनिमल्स थे जैसे बुल्फ हो गए और बियर हो गए, उनको खलास किया, और इसी के साथ हमारा लेवल अप हुआ और मिशन हो गया कम्प्लीट। अब यहीं पे ये मिशन ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट मिशन था, जो कि था 1300 या 1200 मीटर दूर, तो मैं चला गया अपनी बाइक उठा के उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, और मैं पता है कहाँ जाके पहुँचा, मैं पहुँचा रेवन शेल्टर घूम फिर के वहीं पे पहुँच के। अब देखो गूगल मैप का आप सहारा लोगे तो ऐसा ही होगा। अब मैंने मेन मिशन पे क्लिक नहीं किया था, मैंने किया था उसके नीचे जो रहते हैं छोटे छोटे मिशन जो रहते हैं उसमें क्लिक किया था, तो मैं भाई जंगल में घूमता फिरता पहुंच गया रेवन शेल्टर पे, और वहां पहुंच के भाई मेरे को इतनी हंसी आई ना खुद पे भाई, तुम समझ भी नहीं सकते, मैं फास्ट ट्रैवल करके वहां पे पहुंच सकता था।
तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हमें मार्क दिखा रहा था, उसका पीछा करते करते हम पहुंच गए हैं यहां पे, और जहां पे मेरे को आर्मी एरिया लग रहा है। हेलो सर, जय हिंद जय भारत। यहां पे इनकी परेड चल रही है ख़तरनाक वाली, कुछ नंबर वंबर लग रखा है इनका। चलिए यहां पे घूमते हैं। अरे यार ये एरिया तो डिस्कवर नहीं, अरे ये तो हूबहू वैसे ही लग रहा है ना। अब ये तो हमारा शेल्टर है ना, रेवन शेल्टर नहीं है क्या ये? अरे भाई ये तो रेवन शेल्टर ही है। भाई इन्होंने इतना दूर मेरे को रेवन शेल्टर में भगाया भाई। ओ भाई मारो मुझे मारो भाई, मैं रेवन शेल्टर के लिए बाइक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ से जा रहा था भाई, क्या ही बात है भाई। चलो एरिक से बात करते हैं। ठीक है एरिक जी, इनकी साउंड नहीं आ रही है, पता नहीं मैंने ऑफ कर दिया है क्या। एक सेकंड, मैंने ऑफ कर दिया है क्या इनका म्यूज़िक कुछ ऑफ कर दिया हो। वीडियो ऑडियो ऑडियो मेन वॉल्यूम ही तो कम किया है मैंने, बाकी कुछ भी नहीं किया। मेन वॉल्यूम इसलिए कम किया है मैंने क्योंकि जब मैं खेलता हूँ तभी मैं ओवरले करता हूँ वॉइस का, तो गेम का साउंड ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं कम करता हूँ वैसे। ठीक है हो गया, ठीक है समझ गया। अचीवमेंट यहाँ पे अचीवमेंट क्या क्या है, ठीक है समझ गया। ठीक है ग्रोथ मेरे को कुछ मिलेगा वो बताओ तुम लोग, क्लेम करते हैं। चलो 10 एक टिकट मिला, इससे मैं मस्त कोई मूवी देखूँगा। इक्विपमेंट पे भी जाते हैं, चलो देख ही लेते हैं। हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं सेटिंग में जाके, हम लोग इसे पॉलिश कर सकते हैं। नाइस, चलो पॉलिश हो गई है, एक और पॉलिश कर देते हैं। ठीक है बस हो गया ख़त्म खलास। स्टोरी में जाते हैं, स्टोरी में भी हमारे एडवेंचर ऑन गोइंग। ठीक है ये भी क्लेम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है तो ये मिशन जो हैं वो सब होते रहेंगे भाई, ये सारे के सारे मिशन हम लोगों को करने पड़ेंगे साथ साथ में। क्लेम रिवॉर्ड करते हैं। अजय बात ये मिला है ना हमें सूट भैया, यहीं पे सेट कर लेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे यहीं पे सूट अपना। अब और क्या क्या है? हाँ ठीक है समझ गया। हाँ ये भी है, क्लेम कर लेते हैं। चलो इन्हें भी क्लेम कर लेते हैं हम लोग। अरे देते जाओ होगा तो इसमें बस लक्कड़ पत्थर ही। ये देखो स्टोन निकल रहे हैं, फाइबर मिल रहे हैं, यही तो देना है तुम लोगों को। अरे भैया और कितना है भाई? हाँ मिल गया मेरे को भाई, मिल गया। बस रोल पे जाते हैं, रोल पे हम लोगों को लोगर वाले पे चलते हैं, देखते हैं कुछ मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भाई, गलत फहमी पाल रखी है तुम लोगों ने, काहे को टिक लगा रखे हैं ऐसे ही। क्या है इसमें? ओ भाई मैंने इनका लेवल ही हाई नहीं कर रखा था भाई, लेवल 11 पहुंच गया मैं, 12 भी पहुंच गया भाई। अटक गया अब ये गेम अटक गई भाई 12 पे अटक गई ये भाई, मैंने ज़्यादा ही दबा दिया यार इसे, ये गेम अटक गए भाई, क्रैश हो गई ये। अरे बच गया। इसे भी अनलॉक करते हैं, लर्न भी कर लेते हैं। जाते हैं लोगर पे, लोगर का भी लेवल अप होगा क्या? नहीं होगा यार अभी नहीं होगा भाई। सही है भाई, लोगर लक्कड़ हारे तू लकड़ियाँ तोड़ता रहे, अभी तक तुझे और लकड़ियाँ तोड़नी है, और भी हैं क्या? अरे भाई साहब और भी चीज़ें हैं यार, तभी मैं सोचूँ इस पर टिक क्यों आ रहा है। फिर हम लोग जाएंगे मिशन पे, हमें केन से मिलना है। चलो केन से चलते हैं, मिलते हैं, क्योंकि इसने वो बोला था कि 30 लेवल होने के बाद ही मेरे से मुंह दिखाई करवाइए, तो इसकी मुंह दिखाई करवा के आते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हेलो अरमान जी कैसे हो? अरमान जी भी घूम रहे हैं यहाँ पे। रवि वर्मा जी हेलो रवि जी कैसे हो? टेस्ट, अरे भैया टेस्ट हमको भी दे दो यार, हमको भी दे दो ये बियर लगा के भैया बियर लगा के क्या चला रखा है रवि वर्मा जी आपने? प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। यू फील सीट एंड रेस्ट, अच्छा सीट एंड रेस्ट भी कर लेते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। रवि जी से बात कर सकता हूँ क्या मैं?
हेलो सर, रवि जी कैसे हो? रवि जी आप तो भाग गए यार, हमने जैसे ही नियर बाई किया आप तो भाग गए यार। गलत है यार, ये तो गलत है। चलो तो अभी चलते हैं हम लोग केन के पास, और देखता हूँ यहाँ पे मेरे को मैसेज आ रखे हैं क्या। नहीं आ रखे यार वैसे। ओ यूट्यूब चैनल सस्ता प्रमोशन कर रहा हूँ। चलो लेट्स गो फॉर द केन। केन बेटे कहाँ है केन? अरे डोनेट मेरे को नहीं करना डोनेट, यहाँ पे ही बैठ गए हो तुम लोग बेशर्म हो, यहीं पे भीख मांग रहे हो तुम लोग। इसी पे आ रहा है, और देखो भाई इसी पे आ रहा है क्लिक, बहुत मुश्किल से आ रहा था भाई सच्ची में। लेवल अप हो गया, 42 हो गया हमारा, ठीक है। नर्सिंग होम पे जाना है, वहाँ पे पता नहीं क्या करना है मेरे को, वो पता चल जाएगा। इतना ध्यान नहीं देता मैं भाई, पहले देता था स्टोरी पे, अब ध्यान नहीं देता। अब जो भी होगा ना वहाँ पे लग जाएगा पता। अब देखो ये फाइंड रोमन टू लर्न अबाउट कोलेबरेशन ऑन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब रोमन राइंस को ढूंढना पड़ेगा, वो वाला रोमन राइंस। देखो ओलिविया खड़ी है यहाँ पे। अरे ओलिविया गायब हो गई। अरे फ्री फायर खेलना तू, यहाँ पे क्या कर रही है? इधर खड़ी हो के बस देखे जा रही है, लोंडे ताड़े जा रही है। वहाँ पे काम तो करती तू। ओ बाल की दुकान कैसा है रे मेरे भाई, भूल गया क्या मेरे को? मैंने तुझे बचाया था समझ रहा है, रो रहा था बच्चों की तरह। नेड हमारा द गाइड है, गाइड के साथ चलते हैं। और यहाँ पे यार ये इनका साउंड कहाँ चला गया? मैंने क्या मिस्टेक करा है भाई, इनका साउंड ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। बस मैं स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ भाई। नेड आई कांट स्टैंड गोइंग विद, ये कौन आ गया भैया? मिया खलीफा का भाई है क्या ये? ओरो भाई साहब फुल रिस्पेक्ट भाई। अब जा रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट करने, कुछ चीज़ वीज बेचने तो नहीं होता है, इनका लेन देन होता है आजू बाजू में, एक दूसरे से आजू बाजू में होता है लेन देन। ए डाइंग विश लिसन व्हाट कैन हैज से। अरे यार Weasley is driving the fuel truck. The lead car has already set off. You and Roman are tasked with aerial fire support. The chopper is ready. Stay safe. No wonder there is no sign of that guy. I will set off now. ठीक है तो हमें जाना है helicopter. ये हम लोग helicopter से जाते हैं यार, गाड़ी वाड़ी तो हमारे पल्ले नहीं पड़ती भाई, अपना swag ही अलग है। चलो तो helipad पे चलते हैं और देखते हैं कितना सपोर्ट दे पाएंगे हम उसे। अब भाई लोग यहाँ पे हो गई एक प्रॉब्लम फिर से। अब मैंने माइक पता नहीं कब नियर बाई में सेलेक्ट करके रखा हुआ था, और ये बार बार इस गेम में हो ही रही है प्रॉब्लम। तो वॉइस ओवर जो मैंने किया था वो तो चला गया, तो हम पहुँचने वाले थे अपनी लोकेशन पे। तो आगे जो मिशन रहेगा मैं आपको ऐसे ही वॉइस ओवर करके बता देता हूँ। और ये बात सही भी है कि यहाँ पे माइक मेरा नहीं चल रहा, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और आप लोग देख ही सकते हो कि पिछला जो आपने अभी वीडियो देखा उसमें कैसी साउंड आ रही थी बारिश के बूंदों की। और भाई अभी कोई गेमिंग रूम या गेमिंग पीसी या गेमिंग सेटअप नहीं है भाई, मोबाइल से एडिट करता हूँ अपलोड करता हूँ। बट आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। तो बहरहाल हम लोग पहुँचते हैं आप स्टोरी में। तो यहाँ पे जो बंदे हम लोगों ने आगे भेज रखे थे तो वो तो थे घायल पड़े हुए, उनमें से एक बिजली था वो ऑलमोस्ट डेड था, जो कि यहाँ पे नज़दीकी हमारा एक और चौकी थी तो वहाँ पे उसे जमा किया, उसका इलाज करवाया, बट वो नो मोर, वो मर चुका था। तो उसका ही बदला लेने के लिए मैं काफ़ी पागल हुआ। तो आधा घंटे का टाइम लगा इन सबको तैयार होने में। कभी मैं सुपरिटेंडेंट से बात कर रहा हूँ, कभी कैप्टन से बात कर रहा हूँ, कभी ये झाड़ियों में बात कर रहे हैं, कभी पहाड़ के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्कशन ही चल रही है। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे का इन्होंने फुटेज देने के बाद अब मैं और नेट जा रहे हैं उन बंदों के ठिकानों पर, जहाँ पर जाके मैंने एक एक बंदे को चुन चुन के मारा। आखिरकार बिजली का रिवेंज भी तो लेना था, तो उनका था एक मेन बॉस को फिनिश करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो कवर था एक शील्ड के साथ। तो जैसे ही मैं रोटेशन ले रहा था तो वो भी मार रहा था, तो मैं आराम से मेडिकेट मार के बैंडेज लगा के आराम से उसे मार रहा था। तो वहाँ पे मेरे पास एक आइडिया आया उड़ता हुआ दिमाग में, तो मैंने उसके पैर पर निशाना लगाया और ऐसे ही आगे स्टोरी बढ़ाता रहा। तो
पैर पे जैसे ही गोली मार रहा था तो वो अपनी शील्ड हटा रहा था और देन मैं उसके सिर पे गोलियां मार रहा था। तो थोड़ी देर की इंजॉय के बाद, थोड़ा बैंडेज वैंडेज लगाने के बाद, फाइनली उसे हमने मार दिया, हमने नहीं मैंने मार दिया। नेट तो मस्त सेल्फी खींच रहा था वहाँ पे एक जगह पे खड़े होके। तो उसके बाद नेट का पीछा करते हुए हम नीचे पहुँचे, थोड़ा सा आगे ब्रिज पे, तो वहाँ पे भी और बंदे थे, उनको भी फिनिश करा। और वहाँ पे था एक डैम, तो डैम देखने के लिए हम दोनों आगे जैसे ही बढ़े तो नेट को पता नहीं क्या दिखा, उसने गोली आती हुई दिखी जो कि उसके सीधा सीने में लगी और वो कूद गया नीचे पानी में। मैंने सोचा वो जिंदा होगा क्योंकि अभी एक या दो मिनट ही तो हुए हैं, तो मैं भी यही सोचा कि छलांग लगा देता हूँ और उसे बचा लूँगा। हालांकि बहुत गहरा पानी था यार, तो मैं बाहर पहुँचा और किनारे पे जैसे ही पहुँचा तो वहाँ का सुपरिटेंडेंट बोट लेके आता है और उसे नेट को ले जाते हैं हम लोग कैंप पे। और वहाँ पे पता चलता है कि नेट भी मर चुका है। काफ़ी यार सैड सा मोमेंट था। स्टोरी है, अब जैसे स्टोरी बना रखी है गेम डेवलपर्स ने तो वैसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाता है, दो मौतें हो जाती है अभी फ्रेश, पहले विजली मरता है देन उसके बाद नेड मर जाता है। तो यार यही था आज का स्टोरी और आज का एपिसोड नहीं बोल सकता क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आएगी। तो इसी एपिसोड में इतना ही करते हैं क्योंकि यार पता क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर एडिट करना और एक्सपोर्ट करना फिर अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आती है। होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो गाइस जिसने भी वीडियो एंजॉय लिया है भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर जरूर कर देना भाई लोग अपने दोस्तों में क्योंकि यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर सपोर्ट अच्छा नहीं रहेगा तो मैं इस गेम के साथ आगे कंटिन्यू नहीं रह पाऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।